सर, आपके बगल में जो लड़की खड़ी है ना, वो मुझसे प्यार करो बोलकर मुझे परेशान कर रही है सर। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। अभी तो मेरा एडमिशन किया था सर। एडमिशन होते ही लव हो गया। हिरन कुत्ता है तो उसे देखकर सूअर भी कूदने की कोशिश करेगा तो पैर टूटेगा ही ना। ओहो, और तू जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो करना चाहिए बस वही कर रहा हूँ। मैं जो कहूंगा वो करेगा क्या? फोकट में फिल्म नहीं दिखा सकता हूँ यार, पैसा है क्या? आज कॉलेज के गेट पर जो फर्स्ट लड़की एंटर करेगी उसके मुंह से तुम्हें आई लव यू बुलवाना है, कर पाएगा? एक्सक्यूज मी। यस, यह लाइब्रेरी कहाँ है? ऊपर सेकंड फ्लोर के राइट साइड में है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आई एम उषा, साइंस स्टूडेंट। आप साइंस स्टूडेंट हैं? मैं भी साइंस में ही हूँ। आई एम स्नेहा। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। मुझे मेंबरशिप कार्ड बनवाना था। चलिए मेरे साथ, मैं लाइब्रेरी ले चलती हूँ। चलिए। सीधे से खड़ी हो जा, ऐसे हिल क्यों रही है? जवानी में आने के बाद कुछ दिखता नहीं है क्या तुझे? वैसे ऐसी जवानी में गलत कदम उठकर पागलों की तरह मत करना, थोड़ा आगे पीछे आजू बाजू यहाँ वहाँ पर देखकर चलना चाहिए, वरना अगर एक बार कदम फिसल गया ना तो वापस वो संवर नहीं सकता। इसलिए कोई भी हरकत करने से पहले कम से कम 10 या 100 बार सोच लेना चाहिए, समझ गई ना? नहीं। पता नहीं तू कब समझेगी। ए, अब इस तरह यहाँ पर खड़ी मत रहे, यहाँ पर कॉलेज में चरसी लोग बहुत है, चल अब निकल, वट ले यहाँ से, चल। रॉकी। उषा आप ही है ना? रॉकी कह रहा था कि वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर सुसाइड कर लेगा, आपको अर्जेंट बुलाया है। देखो मेरी एक बात सुन लो, ना मैं किसी रॉकी को जानती हूँ और ना वॉकी को जानती हूँ, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, चलिए आप जल्दी चलिए। अरे क्या कर रहा है तू? अरे भाई नीचे उतरा, वो देखो ऊपर क्या हो रहा है। अरे क्या कर रहा है, नीचे उतर, मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, मेरे कॉलेज का नाम क्यों खराब कर रहा है? सर, आपके बगल में जो लड़की खड़ी है ना, वो मुझसे प्यार करो बोलकर मुझे परेशान कर रही है सर। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। अभी तो मेरा एडमिशन किया था सर। एडमिशन होते ही लव हो गया। सर आप तो समझने की कोशिश कीजिए, मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ। अरे बाप रे सर, वो झूठ बोल रही है। ए, लड़के झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तू मेरे पीछे पड़ी थी ना, आई लव यू ऐसे बोलकर। अरे सर मैं सच में नहीं जानती, मैं तो इस लड़के को पहली बार देख रही हूँ। ड्रामा बहुत हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा, आई लव यू नहीं बोलूंगा, ऐसा बोल दे नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। हेलो, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? देखिए सर वो नहीं कह रही है। अरे यार ये तो फंस गया, आई लव यू कहलवाने के चक्कर में ये नाटक तो रियल बनता जा रहा है। खैर छोड़ना, इससे हमें क्या, हमें तो बस हमारा पैसा चाहिए। क्यों सर, यहाँ से कूद जाऊँ क्या? अरे क्या बोल रहा है, रुक जा। क्यों बेटी, मुझे जेल भेजवाना चाहती हो क्या? तुम इस कॉलेज को बंद करवाना चाहती हो क्या? सर वो मुझसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो शांत खड़ी है। ठीक है मैं मर जाऊंगा, कूद रहा हूँ। हेलो मिस्टर, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, ठीक है ना? लव नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी, अब नीचे आ जाओ। देखिए सर इसके गवाह आप ही है ना? हाँ हाँ मैं हूँ, अब तुम नीचे उतर जाओ। सर आपके भरोसे मैं नीचे उतर रहा हूँ। देखो लड़की, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सिर्फ टीसी नहीं दूंगा बल्कि रेड पेन से लिख दूंगा कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अरे तुम एक लड़की हो, लड़कियों को सोच समझकर कदम रखना चाहिए। तुम कॉलेज क्यों आती हो, पढ़ने के लिए ना? ये सारी चीजें इस कॉलेज में नहीं चलेंगी, जो करना है वो बाहर करो, समझ गई? सुनो बच्चों, सब अपने क्लासरूम में जाओ। क्या हुआ बे, तू तो बहुत उड़ रहा था, अब क्या हुआ?
सारी हवा निकल गई क्या? तूने तो सिर्फ उस लड़की से आई लव यू करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने एक कदम आगे की सोच कर पार्क, मूवीज, होटल, रेस्टोरेंट में अच्छे से घुमाया है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसी रेंज में मैंने फील दिया। तो तू ग्रेट है या मैं ग्रेट हूँ? हार मान जा, इसी में भलाई है तेरी। अगर तू इसी तरह से बकवास करता रहेगा ना, तो मैं हार मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। ईमानदारी दिखा और मान जा, तू मुझसे हार चुका है। मैं हारा हूँ ये मानने के लिए सिर्फ तेरा ही ओपिनियन नहीं चलेगा बे। यहाँ के लोग क्या कहेंगे उसके लिए मैं फिक्स होता हूँ। अभी आई लव यू बुलवाता तो उसमें ज्यादा थ्रिल होता, लेकिन मैंने जो किया है उसमें ज्यादा थ्रिल था, समझा? तुम सब लोग हार गए हो ऐसा बोल दो तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हो दोस्तों? ओके, मेरी बात मान ले, हार मान जा, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें फंसा दे। नहीं फ्रेंड्स, तुम लोग हार कर जीते हो, मैं जीत के हारा हूं। इस बेट को मैं जीत गया हूं, लेकिन उस लड़की को मैं हार गया हूं। उस लड़की के हार की वजह सिर्फ तुम लोग ही हो ना, तो हिसाब बराबर हो गया।